We are starting with vernier calipers. अगर आप मॉड्यूल में एक बार डायग्राम देख लीजिए, वैसे तो आपने 11th में कर ही लिया है इंस्ट्रूमेंट, ये तो हर जगह कराया ही जाता है। वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज तो कम से कम हर जगह किया हुआ ही होता है। हाँ, सुन लीजिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डायग्राम जो है हमारे पास, उसमें आप देखेंगे कि इसमें दो जॉज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इस टाइप का स्ट्रक्चर है कि यहाँ पर नीचे दो जॉज मौजूद है और ऊपर इस तरीके से कुछ हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, और यहाँ पर जाकर इस तरीके से, और मतलब ऐसा सा आपने देखा होगा, ठीक है। हाँ, देखिए ये वाला जो पोर्शन है, अरे सुन लीजिए, ये वाला जो पोर्शन है ये किसी भी ऑब्जेक्ट के आउटर डायमीटर को मेजर करने के लिए काम आता है। दिस इज यूज फॉर मेजरिंग द आउटर डायमीटर। इसे जॉज भी बोला जाता है, जॉज ऑफ वर्नियर कैलिपर, जबड़े जॉज, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है ये इनर डायमीटर मेजर करने के लिए काम आता है कि फॉर एग्जाम्पल आपका कंटेनर कुछ ऐसा है, इसका इनर डायमीटर अगर आपको मेजर करना है तो इस तरीके से होता है, ठीक है। ये वाली जो एक स्ट्रिप होती है ये डेप्थ मेजर करने के काम आती है। सपोज आपने इस तरीके से एक कंटेनर लिया है, उसकी डेप्थ मेजर हो जाएगी, इससे आउटर डायमीटर मेजर हो जाएगा, ठीक है। इससे आउटर डायमीटर इस तरीके से मेजर हो जाता है। तो ये सारे एप्लीकेशंस हैं जो आप मेजर कर पाते हैं इससे, इनर डायमीटर, आउटर डायमीटर और डेप्थ, ये तीन चीजें मेजर हो सकती हैं। दूसरी बात, हम इसे लीनियर स्केल या जो हमारे पास ऑर्डिनरी स्केल होता है उससे ऊपर प्रेफर क्यों करते हैं, क्योंकि इसकी प्रिसीजन ज्यादा है। प्रिसीजन कहने का मतलब है कि ज्यादा एक्यूरेसी के साथ मेजर करता है, जैसे 0.1 mm तक या फिर 0.01 cm, ये इसका लीस्ट काउंट है जो आपको लैब्स में कराया जाता है। स्टैंडर्ड जो होता है वो 0.1 mm या 0.01 cm के लीस्ट काउंट का होता है। व्हाट इज लीस्ट काउंट? व्हाट इज लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट? जो मिनिमम मेजरमेंट आप एक इंस्ट्रूमेंट की मदद से मेजर कर सकते हैं, वो मिनिमम मेजरमेंट जो लिया जा सकता है, ठीक है, दैट इज नोन एज लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अब ध्यान से देखिएगा, ये तब का डायग्राम बनाया मैंने जब दोनों जॉज एक दूसरे को टच कर रहे हैं, मतलब बीच में आपने कोई भी ऑब्जेक्ट इंसर्ट नहीं किया हुआ है, बोथ द जॉज आर टचिंग ईच अदर, ओके। तो यहां पर देखेंगे कि दो टाइप की स्केल्स मौजूद होती है। अब यहां से इंपॉर्टेंट चीज है, यहां दो स्केल्स मौजूद होती है, एक होता है मेन स्केल और दूसरा होता है नीचे, यहां पर एक छोटा सा सेक्शन अलग से बना हुआ होता है। अगर आप इसे बहुत अच्छे से देखेंगे तो यहां पर एक छोटा इस तरीके से बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जो मूव करता है, तो यहाँ पर आपको कुछ नंबर ऑफ मेजरमेंट्स दिखाई देते हैं। इसे वर्नियर स्केल कहा जाता है, मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल। अब मेन स्केल अपना ऑर्डिनरी स्केल जैसा ही होता है, यहाँ पर ये 1 cm है, 0 से 1 cm, ये सब सेंटीमीटर्स में है, such that 1 cm mark is divided into how many portions? 10, ठीक है ना। तो ये 0.1 cm कह दीजिए या फिर 1 mm कह दीजिए, ठीक है ना, 1 mm के ये सारे मेजरमेंट्स है। इसका मतलब है अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, मेन स्केल का लीस्ट काउंट कितना है, मतलब एक डिवीजन एक टुकड़ा कितने का है, तो आप कह देंगे 0.1 cm कह देंगे या फिर इट इज इक्वल्स टू 1 mm। यहां तक कोई परेशानी है? अच्छा, नीचे जो वर्नियर स्केल है ना वो देखिएगा ध्यान से, वर्नियर स्केल जो है उसमें 10 डिवीजंस है, देयर आर 10 डिवीजंस ऑन द वर्नियर स्केल, एंड इट इज एब्सोल्युटली नॉट नेसेसरी कि ये सारे इन्हीं के साथ मिल रहे हो, मतलब आप समझ रहे हैं, यहाँ का जो फर्स्ट डिवीजन है वो वर्नियर की फर्स्ट डिवीजन के साथ कोइंसाइड करे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये सारे मिसमैच्ड से होते हैं। लेकिन एक नोटवर्दी बात इसमें ये होती है कि वर्नियर के अगर आपने 10 डिवीजन एक साथ देखे हैं, वर्नियर के जो 10 डिवीजन हैं वो एग्जैक्टली मेन स्केल के 9 डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहे होते हैं इन अ आइडियल सिनेरियो, जो ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर की जो बात की जाएगी सवाल में। सवाल कैसा भी आ सकता है जिसमें एक हाइपोथेटिकल वर्नियर कैलिपर भी दिया जाता है, जिसका लीस्ट काउंट कुछ अलग हो जाए, जिसका मतलब मेन स्केल में नंबर ऑफ डिवीजन अलग हो, मेन स्केल का लीस्ट काउंट अलग हो, सब कुछ अलग हो सकता है, डिजाइनिंग मतलब क्वेश्चन की डिजाइन कुछ भी हो सकती है, बट जो ऑर्डिनरी जो अपन लैब्स में यूज करते हैं वो यहाँ के जो 10 डिवीजन है वर्नियर स्केल के, देखिए आप आऊंगी जवान 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
यहाँ के 10 वर्नियर के जो डिविजन्स हैं वो मेन स्केल के एग्जैक्टली 9 डिविजन्स के साथ कोइंसाइड करते हैं। ये याद रखने वाली बात है कि वर्नियर में 10 डिविजन इज इक्वल्स टू 9 डिविजन्स ऑन मेन स्केल। क्लियर एनफ? इसमें कोई मतलब गुंजाइश मत रखना, कंफ्यूजन मत रखना। यहाँ के 10 डिविजन यहाँ के 9 डिविजन के बराबर, ठीक है। इसे कहते हैं जीरो मार्क ऑफ मेन स्केल, इसे जीरो मार्क ऑफ मेन स्केल कहा जाता है, जीरो मार्क। और यही जीरो मार्क ये वाला जो है ना, दैट इज द जीरो मार्क ऑफ वर्नियर स्केल। फाइन, दोनों के जीरोस यहां पर कोइंसाइड करते हुए दिख रहे हैं इस पर्टिकुलर केस में। लेकिन हो सकता है कि जब ऑब्जेक्ट इंसर्टेड ना भी हो बीच में तो ये जीरोस कोइंसाइड ना करे, उस केस में एक इनबिल्ट एरर होता है आपके इंस्ट्रूमेंट में, वो फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट होता है। बट अभी के लिए मैं एक आइडियल सिनेरियो की बात कर रहा हूं कि दोनों के जीरो मार्क्स जो है वो क्या कर रहे हो, कोइंसाइड करो, जीरो मार्क ऑफ वर्नियर स्केल एंड जीरो मार्क ऑफ मेन स्केल अगर कोइंसाइड कर रहे हैं तो देयर इज नो एरर इन द इंस्ट्रूमेंट, तब इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर नहीं है। यहां तक बात बैठ गई, दोनों के जीरोस कोइंसाइड करने चाहिए। अब यहां से आप देखिएगा कि किस तरीके से हम लीस्ट काउंट पता करते हैं। देखिए, अभी मैंने आपको बोला कि 10 वर्नियर के डिविजंस 9 मेन स्केल के डिविजंस के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा लिखूंगा 10 वर्नियर स्केल डिविजंस, इसका मतलब समझिएगा, वीएसडी स्टैंड्स फॉर, ये लिखना भी है आपको, 10 वर्नियर स्केल डिविजंस, 10 वर्नियर स्केल के डिविजंस किसके बराबर है, दैट इज इक्वल्स टू 9 एमएसडी। व्हाट इज एमएसडी? नो, इट्स नॉट दैट, इट्स अ मेन स्केल डिविजन। 10 वीएसडी 9 एमएसडी के बराबर है, तो बताइए एक वर्नियर स्केल डिविजन किसके बराबर हो जाएगा, 9/10 एमएसडी, ठीक है। अब एक बात ध्यान से समझ लो, किसी भी इंस्ट्रूमेंट जो मैं कर रहा हूं ना यहाँ पे, वो लीस्ट काउंट निकालने का तरीका है। सबसे पहले आप देखेंगे कि कितने वर्नियर्स जो हैं, कितने मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं, वो लिख दोगे और फिर 1 वीएसडी निकाल दोगे। किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट आप ऐसे लिखेंगे, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज गिवन एज 1 एमएसडी माइनस 1 वीएसडी, 1 एमएसडी माइनस 1 वीएसडी। एक मेन स्केल डिवीजन में से एक वर्नियर स्केल डिवीजन माइनस कर दीजिए तो आपको सबसे छोटा मेजरमेंट जो आप कर सकते हैं वो मिल जाएगा। अब 1 एमएसडी को 1 एमएसडी है और 1 वीएसडी किसके बराबर है, 0.9 एमएसडी के बराबर। यहां से देखिए 0.9 लिख दिया है, दैट इज इक्वल्स टू 0.1 एमएसडी। और 1 मेन स्केल डिवीजन कितना है, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, 0.1 सेंटीमीटर कह सकते हो या फिर 1 एमएम कह सकते हो, दिस इज आल्सो 1 एमएसडी। एक मेन स्केल का जो डिवीजन है, ये जो आपको दिख रहा है, वो डिवीजन कितने का है, दैट इज इक्वल्स टू 0.1 सेंटीमीटर और 1 एमएम, व्हाटसोएवर इज यू आर कंफर्टेबल विद आप लिखिए। मैं एमएम्स में स्टार्ट करूंगा लिखने से, तो 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 1 एमएम, ये हो जाएगा 0.1 एमएम, या तो 0.1 एमएम कह दो या फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो 0.01, मतलब आपके ऊपर है कि किसमें आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, और 0.01 सेंटीमीटर भी लिखा जा सकता है। तो दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, ऐसे ही आप डिटरमिन करेंगे लीस्ट काउंट। समझ आ गया, कितने वर्नियर के डिविजंस कितने मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं आप वो लिखिएगा, और फिर लीस्ट काउंट इज गिवन बाय 1 एमएसडी माइनस 1 वीएसडी। एक सवाल नहीं रुकेगा, नोट कीजिए, फिर अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहले मेजरमेंट लेना बाद में सीखेंगे, अभी तुमने लीस्ट काउंट निकालना सीख लिया ना। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो मेजरमेंट से रिलेटेड होता है और दूसरा लीस्ट काउंट निकालने से रिलेटेड होता है। पहले अपन इससे रिलेटेड सवाल कर लेते हैं, नोट कीजिएगा इसे। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, पेज नंबर 13 पे। In a vernier calipers, the n divisions of its main scale match with n plus 1 divisions on the vernier scale. Each division of the main scale is a units. Using the vernier principle, calculate the least count. ऐसा कह रखा है कि n plus 1 vernier scale divisions किसके बराबर है? n MSD के बराबर। ऐसे ही कह रखा है?
देखिए लिखा हुआ है n डिविजन्स ऑफ मेन स्केल के n डिविजन्स वर्नियर स्केल के n प्लस 1 डिविजन्स के साथ कोइंसाइड करते हैं। अब आसान है, 1 बीएसडी निकालेंगे। सबसे पहले 1 बीएसडी इज n अपॉन n प्लस 1 एमएसडी, और लीस्ट काउंट निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, 1 एमएसडी माइनस 1 बीएसडी। आप माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, 1 माइनस n अपॉन n प्लस 1 एमएसडी, तो दिस बिकम्स n प्लस 1 माइनस n बिकम्स 1 अपॉन n प्लस 1 एमएसडी, यही हो गया। और ऐसा कह रखा है 1 एमएसडी a यूनिट्स के बराबर है, तो आप सीधा सा लिख देंगे दैट इज इक्वल टू a अपॉन n प्लस 1 यूनिट्स, दिस इज द लीस्ट काउंट। ठीक है, यही आ रहा है क्वेश्चन नंबर 14। यस, नेक्स्ट एक और कीजिएगा, पेज नंबर 15 पे आ जाइए और क्वेश्चन नंबर 10, पेज 15 क्वेश्चन नंबर 10 खुद से ट्राई कीजिए, पेज 15 क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, अ वर्नियर कैलिपर हैज 1 mm मार्क्स ऑन मेन स्केल। 1 mm मार्क्स का मतलब है कि 1 MSD दे रखा है। 1 MSD इज गिवन एज 1 mm, इट हैज 20 इक्वल डिविजंस ऑन द वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल पे 20 डिविजंस हैं जो 16 MSD के साथ कोइंसाइड करते हैं, तो हमारे साथ ये लिखेंगे 20 VSD कोइंसाइड विद 16 MSD, तो 1 VSD की वैल्यू हो जाएगी 4/5 of MSD. So least count of the instrument is 1 MSD minus 1 PSD. So this will be 1 minus 4/5 MSD, which is 1/5 of MSD. Or 1 MSD kitna de rakha hai, 1 mm. So I guess the answer is 0.2 mm. Yes, sir. Fine, easy. Question number 7 karein. Isi mein question number 7 karein. अब डरने वाली बात नहीं, कभी डिग्री विग्री कोई एंगुलर वाला भी दे दिया जाए, तरीका यही है। जैसे ये वाला सवाल देखेंगे, इन एन एक्सपेरिमेंट द एंगल्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेजर्ड यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट, 29 डिविजंस ऑफ द मेन स्केल, दैट्स मेन स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड विद 30 डिविजंस ऑफ वर्नियर स्केल, इफ द स्मॉलेस्ट डिविजन ऑफ द मेन स्केल इज हाफ अ डिग्री देन द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज। So it is given 29 divisions of main scale coincide with 30 divisions of vernier scale. So that I can say 30 VSD coincide with 29 MSD. 1 VSD ho jayega 29/30 of MSD. To least count will be 1 MSD minus 1 VSD. 1 VSD is 29/30 of MSD. This becomes 1/30 of MSD. ठीक है ना? और 1 MSD कितना दे रखा है, हाफ डिग्री, तो दिस इज 1 अपॉन 30 इनटू हाफ डिग्रीज। अच्छा, डिग्रीज को मिनट्स में या सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, अच्छा मिनट्स में है ना, तो इनटू 60 कर दीजिए, सो दिस आई गेस बिकम्स 1 मिनट। 1 मिनट इज द आंसर टू द प्रॉब्लम। फाइन, इजी। सबसे अब ये थोड़ा तो आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा, लीस्ट काउंट वाले क्वेश्चंस कैसे करने, सारे इसी टाइप से होते हैं। देखिए, लेट अस से वी हैव अ क्यूब जिसके डाइमेंशंस मेजर करने थे। यस, लेट अस से वी हैव अ क्यूब जिसके डाइमेंशंस मेजर करने थे और अपन ने जॉल्स के बीच में इसे डाल दिया है। ठीक है, अब इस तरीके का आपको कुछ फिगर दिखेगा, सच दैट दिस इज द मेन स्केल और ये वाला जो है केवल 10 डिविजन के साथ आपका वर्नियर स्केल होता है। सबसे पहले आप क्या देखते हैं कि मेन स्केल का जीरो तो ये रहा, लेकिन वर्नियर स्केल का जीरो कहां गया, सबसे पहले उसे ढूंढा जाता है। वर्नियर स्केल का जीरो देखिए यहां पर है, आपको ये देखना होता है कि वर्नियर स्केल का जीरो मार्क जिसे कहते हैं, वो कौन से मेन स्केल डिवीजन को क्रॉस करके आगे बढ़ चुका है। ठीक है, अब जैसे अगर यहां पर हम देखें तो ये दिस इज द जीरो मार्क ऑफ वर्नियर, this is the zero mark of vernier caliper. तो इसका zero mark अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर है बीच में, मतलब ये two
सेंटीमीटर तो हो गया, ये अगर मैं एमएम्स में बात करूं तो ये 10 एमएम है, ये 20 एमएम है, ये 30 है, ये 40 है, एमएम में कर दिया मैंने स्केल को आसानी के लिए। 20 21 22 22 को तो क्रॉस कर चुका है जीरो मार्क, लेकिन 23 पे पहुंचा नहीं है। और कई बार सवाल में लैंग्वेज भी ऐसी ही लिखी हुई आती कि इस फला डिवीजन को क्रॉस कर चुका है लेकिन वहां पहुंचा नहीं है, समझ लो। या फिर इसकी लैंग्वेज और कैसे आती है कि 22वां डिवीजन हिडन है, 23वां दिखाई दे रहा है, समझ लो। मतलब 22 को हम क्रॉस कर चुके हैं और 23वां अभी तक दिखाई दे रहा है, मतलब अभी आपको समझिएगा बात को। तो आपको मेन स्केल रीडिंग क्या लेनी है, रिमेंबर द टोटल रीडिंग ऑफ इज कंपोज्ड ऑफ टू सेक्शंस। टोटल रीडिंग एक होती है मेन स्केल रीडिंग और दूसरी होती है वर्नियर स्केल रीडिंग, इन दोनों का सम ही आपको टोटल रीडिंग देगा। तो सबसे पहले हमें मेन स्केल रीडिंग देखनी है। मेन स्केल रीडिंग आपको देखना है कि वर्नियर का जीरो मार्क किसको क्रॉस कर गया है, लेकिन कहां पहुंचा है वो नहीं लेना है अभी। मतलब 22 को क्रॉस कर चुका है लेकिन 23 पे पहुंचा नहीं है, इसलिए आपकी जो मेन स्केल रीडिंग होगी वो उसका नंबर ऑफ डिवीजन हो जाएगा। नंबर ऑफ डिवीजन जो आप लेंगे दैट विल बी इक्वल्स टू 22nd लेंगे, ठीक है। और क्योंकि इसका लीस्ट काउंट किसके बराबर है बच्चों, एक डिवीजन कितने का है जल्दी बताइए, एक डिवीजन कितने का है, 1 mm का है ना। तो सीधी सी बात है कि मेन स्केल रीडिंग हो जाएगी नंबर ऑफ डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल। अपन क्योंकि मेन स्केल की बात करें, हर रीडिंग ऐसी होती है, टोटल नंबर ऑफ डिवीजंस मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट उसका। तो नंबर ऑफ डिवीजंस कितने, 22, और लीस्ट काउंट कितना है उसका, 1 mm है। तो मैं क्या लिखूंगा इसे डायरेक्टली, 22 mm। वैसे आप कॉमन सेंस ही लगाओ यार, ये सब mm में ही चल रहा है, तो 22 को क्रॉस कर गया तो 22 mm लिखेंगे। अब आ जाते हैं वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग भी ऐसे लिखी जाएगी, n मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। अब लीस्ट काउंट वैसे तो तुम्हें याद करा दिया मैंने कितना है, 0.1 mm भी कह सकते हो या फिर 0.01 सेंटीमीटर। ये एक नॉर्मल वर्नियर स्केल है, वर्नियर कैलिपर है। बट अगर कोई नया वर्नियर कैलिपर दे, जैसे अभी आपके सवाल चल रहे थे लीस्ट काउंट निकलवाया, तो किसी में पहले वो लीस्ट काउंट निकलवाएगा जिससे आप नॉर्मल तरीके से निकालेंगे और फिर यहां पर रखेंगे उसे। तो अभी के लिए तो अपन ऑर्डिनरी लीस्ट काउंट लेके चल रहे हैं व्हिच इज 0.1 mm। अब हमें देखना है ये नंबर ऑफ डिवीजन क्या होता है। अब नंबर ऑफ डिवीजन देखने के लिए याद रख लें अपने दिमाग में जो मैं कह रहा हूं, ऊपर के नंबरों को भूल जाएं। अब हमें इस मेन स्केल के नंबरों से कोई मतलब नहीं है, मेरे लिए ये अब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। अब आपको केवल वर्नियर स्केल देखनी है। वर्नियर स्केल में आपको देखना है कि जीरो मार्क के बाद कौन सा डिवीजन किसी भी मेन स्केल के डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर गया है। जैसे आपको ये सब भूल जाने हैं, अब इन से नंबरों से कोई मतलब नहीं, आप भुला ही देना अब इसे, भुला देना अभी, ठीक है। ये सब हट जाएंगे। अब आपको बस ये देखना है कि जीरो मार्क के बाद, ये जीरो मार्क है, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन डिवीजन में से कौन सा कोई भी एक डिवीजन ऊपर के मेन स्केल के साथ सेम लाइन में आ जाए, मतलब कोइंसाइड कर जाए। तो यहां पर अगर आप देख रहे हो तो फर्स्ट नहीं कर रहा, सेकंड नहीं कर रहा, थर्ड नहीं कर रहा, फोर्थ कर रहा है। कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, फोर्थ। तो यहां से गिनना है कि कौन सा डिवीजन। अब यूं नहीं आप ऊपर से देखने लगो कि सर ये तो 20 था, ये 25 है, 26वां डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, गलत हो जाएगा अगर आपने 26 ले लिया तो, क्योंकि 20 ये 25 ये 30 है, आपने कह दिया 26वां डिवीजन। नो, यू हैव नथिंग टू डू विद मेन स्केल। वंस द मेन स्केल रीडिंग इज ओवर, वर्नियर के लिए आप मेन स्केल को भुला देंगे, समझ आ गई बात। तो बस आपको यहां से काउंट करना है कि कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, चौथा। तो मेरा यहां पर जो n है दैट इज नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग With any of main scale readings, किसी भी main scale reading के साथ जो coincide करो, main scale division लिख दो, reading से बढ़िया रहेगा, तो वो होता है। अब यहाँ पर n की value 4 है, और 4 को आप multiply कर देंगे 0.1 mm से, तो the answer will be 0.4 mm as the vernier scale reading, और total reading हो जाएगी अब आपकी 22 plus 0.4 mm, which is 22.4 mm। आप चाहें तो इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो दिस इज 2.24
सेंटीमीटर। ठीक है, समझ आ गया किस तरीके से आपको रीडिंग देखनी है, नंबर काउंट करना है। यूजुअली ये नंबर या तो सवाल में, मतलब 2016 में ऐसा सवाल आया था कि उन्होंने स्केल बना के दे दी थी, अब उसने कहा था कि देख खुद से पढ़ रीडिंग बता, ऐसा भी सवाल आया है। और कभी कभी वो खुद ही दे देता है कि फला डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, खुद से दे देगा तो बहुत ही अच्छी बात है। क्या वो डिवीजन 0 से 9, मतलब 1 से 9 के बीच में कुछ ना कुछ देगा, है ना? ये मत सोचना 20वां 21वां 26वां, ऐसा कुछ नहीं देगा। किसके बीच में? 1 से 9 के बीच में ही कुछ ऐसा दे देगा। इतना समझ में आ गया हो तो मैं आगे बढ़ू। कभी कभी क्या होता है, अब ये तो हो गई रीडिंग, तब के लिए जब कोई एरर नहीं था आपके इंस्ट्रूमेंट में। लेकिन कभी कभी एरर भी होता है इंस्ट्रूमेंट, पहले से इनबिल्ट एरर होता है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कह दीजिए। जब इस टाइप का एरर होता है तो उसे हम जीरो एरर कहते हैं। कौन सा एरर कहा जाता है? दैट इज टर्म्ड एज जीरो एरर। अब जीरो एरर दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट है होता है पॉजिटिव एरर और दूसरा होता है नेगेटिव एरर। द फर्स्ट इज पॉजिटिव एरर। पॉजिटिव एरर क्या होता है, सुन लीजिए, बोलिए मत। पॉजिटिव एरर में मान लीजिए ये आपका मेन स्केल का जीरो है, दिस इज, ऊपर मैं मेन स्केल बना रहा हूं, नीचे मैं वर्नियर स्केल बनाऊंगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दिस इज योर 1 एंड 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दिस इज 2 एंड सो ऑन, इट विल गो ऑन। वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो मेन स्केल के जीरो के साथ जब कोइंसाइड ना करे तब हम उसे जीरो एरर कहेंगे। नॉर्मली जब दोनों जॉज बंद होने चाहिए तब दोनों के जीरोस कोइंसाइड करें, बट अगर नहीं कर रहे हो तो जीरो एरर मौजूद है इंस्ट्रूमेंट में। अगर जीरो मार्क आगे है, मान लीजिए जीरो मार्क जो है वर्नियर स्केल का मेन स्केल के जीरो से राइट में लाया करता है, तब हम कहते हैं कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव एरर है। दिस इज टर्म्ड एज पॉजिटिव एरर व्हेन जीरो मार्क ऑफ वर्नियर स्केल लाइज टू द राइट ऑफ जीरो मार्क ऑफ मेन स्केल। मेन स्केल के जीरो मार्क से राइट में लाए करें तब हम उसे क्या कहते हैं? पॉजिटिव एरर कहते हैं। अब यहां पर कुछ नंबर ऑफ डिविजन्स रहे होंगे, यहां पर है ना, यहां पर कुछ कुछ डिविजन्स रहे होंगे इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 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
इनको 7 ले लेंगे और लीस्ट काउंट क्या लेंगे 0.1 mm, so that the positive error is 0.7 mm. कोई दिक्कत है यहाँ तक पॉजिटिव एरर निकालने में? सेकेंड होता है हमारे पास नेगेटिव एरर. सेकेंड इज नेगेटिव एरर. नेगेटिव एरर में क्या होता है, क्या बात है, ऐसी क्या अर्जेंट बात है, क्वेश्चन कर रहे हो, यहाँ पागल हूँ बताओ, कमाल है. नेगेटिव एरर. अब नेगेटिव एरर में क्या है, देखिए यहाँ पर दिस इज द जीरो ऑफ मेन स्केल. ठीक है, यहाँ पर कुछ नंबर ऑफ डिवीजन रहे होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वन एम वन टू एंड सो ऑन. ठीक है, अगर वर्नियर का जीरो जो है, दिस इज द मेन स्केल का जीरो, अगर वर्नियर का जो जीरो है वो मेन स्केल से जीरो से लेफ्ट की तरफ लाए करे, उससे लेफ्ट की तरफ हो, यहां पर कहीं पर जीरो आ जाए, तब हम उसे नेगेटिव एरर कहते हैं. ठीक है, और यहां पर भी कुछ इस तरीके से रहा होगा कि कुछ नंबर ऑफ डिविजन को इनसाइड करते हुए दिखेंगे आपको. लेट अस से दिस इज द वर्नियर, तो मान लीजिए दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिक्स्थ डिवीजन जो है वो कोइंसाइड करता हुआ दिख रहा है फॉर एग्जांपल. तो उस केस में नेगेटिव एरर का कैलकुलेशन आपको आना चाहिए. ये थोड़ा अलग तरीके से निकलता है. दिस नेगेटिव एरर इज गिवन एज माइनस टोटल नंबर ऑफ वीएसडी, टोटल नंबर ऑफ वीएसडी माइनस नंबर ऑफ डिवीजन कोइंसाइडिंग,
जो कॉइंसाइड कर रहा है मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट, मतलब अब कौन सा डिवीजन कॉइंसाइड कर रहा है, छठा डिवीजन कॉइंसाइड कर रहा है, तो आपकी जो एरर है वो चार के बराबर होगी, मतलब दैट इज इक्वल टू माइनस टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन कितने होते हैं 10, 10 में से आप क्या माइनस कर देंगे कौन सा कॉइंसाइड कर रहा है छठा -6 और मल्टीप्लाई कर देंगे लीस्ट काउंट से, सो दिस बिकम्स माइनस का 0.4 mm, दिस बिकम्स माइनस का 0.4 mm, ये वर्नियर में नेगेटिव एरर आप इसी तरीके से निकालेंगे, और सच दैट अब अगर आपके इंस्ट्रूमेंट में चाहे पॉजिटिव एरर हो या नेगेटिव एरर हो, अब जो टोटल रीडिंग आप निकालेंगे दैट इज गिवन एज मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग और माइनस जीरो एरर, जीरो एरर माइनस कर देंगे। अब ये जीरो एरर पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, जो भी अब आप यहां रख देंगे, ठीक है। अगर इतना आप याद रख सकते हैं तो आपके सारे सवाल हो जाएंगे वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड, कुछ नहीं बचा है, इतना नोट कीजिए और क्वेश्चंस कर लें। ये सब गिवन होता है बच्चों की कौन सा डिवीजन कॉइंसाइड कर रहा है, कैसे मतलब हिंट मिल जाएगा सवाल में कि कौन से टाइप का एरर है, पॉजिटिव एरर है या नेगेटिव एरर है, बस इतना फॉर्मेट याद रखिएगा, सवाल हो जाएंगे सारे। पेज नंबर 15 पेज नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 15 बातें बंद, अब काम शुरू। Question number 15. The main scale of vernier calipers reads in millimeters. ठीक है, मतलब main scale जो है वो mm में read करता है. And its vernier is divided into 10 divisions, which coincide with 9 divisions of main scale. इसका मतलब है कि 10 vernier scale divisions 9 MSD के बराबर है. इसका मतलब है 1 VSD कितना हो गया? 0.9 MSD. और इसका मतलब ऐसा भी समझ सकते हैं अपन कि इसका जो लीस्ट काउंट होगा वो होगा 1 MSD माइनस 1 VSD व्हिच इज 0.1 MSD, तो 1 MSD कितना है मिलीमीटर्स में रीड कर रहा है, दैट मींस दिस इज 0.1 mm, मतलब ये ऑर्डिनरी वाला ही लीस्ट मतलब वर्नियर कैलिपर है जो लैब्स में यूज हो रहा है। अब ये सवाल देखिए, व्हेन द टू जॉज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टच ईच अदर The seventh division of the vernier scale coincide with a scale division. With a scale division. A scale division मतलब है main scale की किसी भी division के साथ coincide करा जिसका number नहीं है। Number किसका है? Seventh division of vernier scale. जब दोनों jaws एक दूसरे को touch करते हैं और कुछ ना कुछ division देख रहा हो, that means there is some error. आगे देखिए, and the zero of vernier lies to the right of the zero of main scale. इसका मतलब है किस टाइप की एरर है? पॉजिटिव एरर है, ठीक है। तो कितनी एरर है पॉजिटिव वाली भी? पॉजिटिव एरर हो जाएगी n मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट, नंबर ऑफ डिवीजन कौन सा कॉइंसाइड कर रहा है 7, 7 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 व्हिच इज 0.7 mm, कितने का एरर है वो भी पॉजिटिव में। नेक्स्ट, फर्दर मोर व्हेन अ सिलेंडर इज टाइटली प्लेस्ड अलोंग इट्स लेंथ बिटवीन द टू जॉज द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज slightly to the left of 3.2 centimeter. 3.2 centimeter का मतलब है 32 mm. तो vernier का जो zero है ना वो 32 mm से left में lie करता है, मतलब आप division कौन सा लेंगे 32वां या 31वां? 31वां में यही समझाया ना, जिसको cross कर गया definitely वो लेते हैं, जिसपे पहुंचा नहीं है उसे नहीं लिया जाएगा। तो इसका मतलब है आपकी जो मेन स्केल रीडिंग है वो 31 mm है, कोई दिक्कत? आगे और कुछ कह रखा है, एंड द फोर्थ वर्नियर डिवीजन कोइंसाइड्स विद द स्केल डिवीजन, मतलब यहां पे उसने वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए भी कह दिया कि इस समय पे फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट है 0.1 व्हिच इज 0.4 mm। क्या टोटल रीडिंग का फार्मूला आप जानते हैं? मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग माइनस जीरो एरर, तो मेन स्केल रीडिंग इज 31 प्लस 0.4 और माइनस करना पड़ेगा 0.7, जो भी आ रहा है वो आंसर है, कितना होगा 30.7 mm।
यही आंसर 30.7 mm. कौन सा क्वेश्चन है? हाँ मतलब सेंटीमीटर में आंसर दिया हुआ है, ठीक है हमारा 30.7 mm है. ओके गुड, तरीका समझ में आ गया है. आप क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे. अब क्वेश्चन नंबर 16, द वर्नियर कैलिपर शोन इन द डायग्राम हैज अ जीरो एरर इन इट एज यू कैन सी. या वी कैन सी इट. व्हिच टाइप ऑफ एरर इज दिस? Which type of error is this? ये देखो, ये जो है ये तो जीरो हो गया किसका? मेन स्केल का है ना, जीरो फिर वन टू थ्री फोर ऐसा दे रखा है. और वर्नियर का जो जीरो है वो लेफ्ट में लाया कर रहा है. सो विच टाइप ऑफ एरर इज दिस? नेगेटिव एरर है ना, नेगेटिव एरर है. तो कितनी होगी बच्चों? अच्छा 9 MSD 10 PSD, मतलब लीस्ट काउंट कितना हो गया? 0.1 mm. What is the zero error? अच्छा देखो कौन सा ऐड कर रहा है, वो गिनना पड़ेगा. वन नहीं, टू नहीं, थर्ड वाला है ना? नो, वही तो मैं कह रहा हूं, ऊपर के लेटर्स नहीं देखने, आपको इन्हें भूल जाना होगा. आप नीचे से काउंट करें, कौन सा डिवीजन? एक दो तीसरा. नीचे से गिनेंगे वर्नियर कैलिपर में तो तीसरा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है. यस और नो? तो एन की वैल्यू कितनी? 3. तो आप नेगेटिव एरर लिखते कैसे? हाउ डू यू राइट द नेगेटिव एरर? माइनस का टोटल नंबर ऑफ डिवीजंस 10 माइनस एन मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट. सो दिस इज माइनस 0.7 mm इज द आंसर. नेगेटिव एरर इतनी है, ठीक है. नेक्स्ट चीज पूछी है, द ऑब्जर्व्ड रीडिंग ऑफ द लेंथ ऑफ द रॉड मेजर्ड बाय दिस वर्नियर कैलिपर कम्स आउट टू बी 5.4 mm. मतलब अपन एक रॉड की लेंथ मेजर करते हैं, 5.4 mm आ जाती है. इफ द वर्नियर कैलिपर हैड बीन एरर फ्री देन द रीडिंग ऑफ द मेन स्केल वुड बी दिस एंड कोइंसाइडिंग नंबर डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल विल बी दिस. ठीक है, मतलब रीडिंग है तो 5.4 आ जाती है. तो एक्चुअली स्पीकिंग जो आपकी टोटल रीडिंग होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग माइनस जीरो एरर. अब ये इसने टोटल रीडिंग बता ही रखी है विदाउट एरर, 5.4 आ जाती है. और आप जीरो एरर माइनस करेंगे तो माइनस 0.7 कीजिए, कितना होता है? ये कितना हो जाता है बच्चों? 6.1 mm. तो अगर मतलब इसकी एग्जैक्ट रीडिंग क्या है? 6.1 mm. समझ रहे हो भाई? नेगेटिव एरर का मतलब क्या? ये कम दिखाता है ना पहले से, तो एक्चुअल रीडिंग तो उससे ज्यादा ही है. तो हाँ सही तो दे रखा है. अरे पूरा पढ़ तो लो सवाल. इफ द वर्नियर हैड बीन एरर फ्री तो मेन स्केल की रीडिंग क्या होती? 6. और कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल क्या होता? 1. 6.1 वही तो हुआ, यही है. अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 21. इसी पेज में क्वेश्चन नंबर 21. The side of the cube is measured by vernier caliper. 10 divisions on vernier scale coincide with 9 divisions of main scale, where 1 division of main scale is 1 mm. The main scale reads 10 mm and first division of the vernier scale coincides with the main scale. Reading बता दो तुरंत. Main scale तो हो गई 10 plus vernier reading कितनी होगी? N multiplied by least count. N कितना है? 1 और least count से multiply कर दो 0.1, तो कितना हो गया? 10.1 mm. ये क्या आ गया? ये क्या है? Side of the cube आई है, edge है ना, L की value आ गई. Mass दे रखा है, density पूछी है. Density कैसे निकालेंगे? Mass divided by volume. Volume कैसे? A cube. That's it. इसमें यही करना था. Thank you.
पेज नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, पेज 16, क्वेश्चन नंबर 16, पेज 16, क्वेश्चन नंबर 16, The diameter of a cylinder is measured using a vernier caliper with no zero error. It is found that the zero of the vernier scale lies between 5.10 and 5.15 centimeter of the main scale. The vernier scale has 50 divisions, equivalent to 2.45 centimeter. The 24th division of the vernier scale exactly coincides with one of the main scale divisions. The diameter of the cylinder is. Now, this is not the usual vernier caliper we are talking of. This is something different. Okay. In fact, you can see the vernier scale has 50 divisions, out of which 24th is coinciding. So, this is not the normal one. Try it out. Ek baar khud se try karo. Concept tumhe pata hai. पेज नंबर 16 पे क्वेश्चन नंबर 16 पेज 16 क्वेश्चन नंबर 16 इट इज गिवन द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर इज मेजर्ड यूजिंग वर्नियर कैलिपर विद नो जीरो एरर जीरो एरर नहीं है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है ना कुछ प्लस करना ना माइनस का होगा इट इज फाउंड दैट द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 5.10 एंड 5.15 सेंटीमीटर ऑफ द मेन स्केल So which one would you prefer as the main scale reading? 5.10 है ना 5.10 centimeter will be the main scale reading. आपको बता रखा है जो cross कर चुका है उसकी बात होगी जिस पे नहीं पहुंचे उसकी बात नहीं होगी. So main scale reading जो हो जाएगी वो हो जाएगी 5.10 centimeter. The vernier scale has 50 divisions equivalent to 2.45 centimeter. मतलब 50 divisions vernier scale divisions are equivalent to 2.45 centimeters. So 1 VSD is equivalent to 2.45 divided by 50 centimeters. इतने सेंटीमीटर के बराबर एक वर्नियर स्केल डिवीजन है. और अगर आपको लीस्ट राउंड निकालना है तो that will be 1 MSD minus 1 VSD. So how much is एक स्केल डिवीजन किसके बराबर है? ये कैसे पता चलेगा? आप देखिए ऐसा कह रखा है कि वर्नियर का जो जीरो है ना वो इन दोनों के बीच में 5.10 और 5.15 के बीच में तो एक मेन स्केल डिवीजन कितने का है 0.05 सेंटीमीटर का है ठीक है तो 1 MSD इज इक्विवेलेंट टू 0.05 सेंटीमीटर एक मेन स्केल का डिवीजन इतने का है माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन ये कितना है बच्चों ये कितना आता है सॉल्व करके 0.049 सेंटीमीटर यही कह रहे हो तो लीस्ट राउंड कितना हो गया 0.001 सेंटीमीटर दिस बिकम्स द लीस्ट राउंड ओके अब आपके पास लीस्ट राउंड आ चुका है तो भागे देखिए क्या पूछ रहा है 24th division of vernier scale coincides with main scale. 24th division coincide कर रहा है, ठीक है? तो vernier scale की reading हो जाएगी 24 multiplied by 0.001, which is 0.024 centimeter. So that the total reading will be 5.10, जो main scale reading है, plus 0.024 centimeter, which gives the answer as 5.124 centimeter. So I guess this is the answer 5.124 centimeter. तरीके वही हैं मतलब थोड़ा सा presence of mind रखना है कोई सवाल में बहुत ज़्यादा variety नहीं होती है अब आ जाते हैं अपन screw gauge के ऊपर vernier caliper से related यही है अब आते हैं screw gauge पे ये लिखना है या हो चुका है हो गया good वर्नियर कैलिपर तो ठीक है जो आपको एक्यूरेसी देता था वो 0.1 mm की देता था उससे भी ज्यादा आपको प्रिसीजन चाहिए तो आप स्क्रू गेज यूज करेंगे स्क्रू गेज और भी थिन चीजों को मेजर करने के लिए काम आता है जैसे पेपर की थिकनेस हो गई बालों की थिकनेस हो गई अब बालों की थिकनेस ऐसे है कि बहुत सारा बंडल बना लीजिए और फिर उसे इसमें रखे हालांकि इतना
कम हम नहीं करते उससे मेजरमेंट, बट पेपर की थिकनेस तो क्लास में मेजर आपने किया है, पेपर की थिकनेस मेजर करवाई जाती है यूजिंग वर्नियर। आप 50 या 100 कागज की एक थिन वायर तो यही है, मैं उसके अलावा और ज्यादा कम पे बता रहा हूँ। अगर पेपर का अगर आप एक बंडल बना लें 100 पेपर का या 50 पेपर का और उसे उसमें बीच में जॉज में फिक्स कर दें तो उसकी थिकनेस भी निकल आती है। अब देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ रखा गया, ये वाला जो जॉ है वो फिक्स होता है, ये वाला मूवेबल होता है, मतलब आप इस थिम्बल को घुमा के इसे अंदर या बाहर इस मूवेबल जॉ को कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ बीच में फंसाया जाता है और फिर इसकी रीडिंग ली जाती है। दिस इज द फिक्स्ड फ्रेम एंड दिस इज द हियर यू कैन सी यहाँ पर मेन स्केल इम्प्रिंटेड होती है, ठीक है, यहाँ पर होती है मेन स्केल और यहाँ होता है सर्कुलर स्केल, ठीक है ना। जब अपन कह रहे हैं कि कोई जीरो एरर ना हो तब दोनों के जीरो जो है वो सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में होते हैं, ये मैं बात में बता दूंगा। अभी मेन आप ये देखिए कि इसकी जो एक्यूरेसी है वो 0.01 mm की या 0.001 सेंटीमीटर, जो भी आप कहना चाहें, ठीक है। अब अगर यहाँ के आप स्ट्रक्चर को खोलते हैं ना तो एक्चुअली देखिए एक बार मॉड्यूल में देखिएगा, मैं इसमें नहीं ड्रॉ कर पाऊंगा, पेज नंबर 9 पे देखिएगा, पेज नंबर 9 को देखिएगा एक बार, जहां पर प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर लिखा हुआ है या स्क्रू गेज लिखा हुआ है उसकी बात हो रही है। यहाँ पर क्या होता है, नीचे एक नट बोल्ट वाला अरेंजमेंट टाइप है ना, सच दैट यहाँ पर बीच में क्या होता है कि जैसे ही आपने ये सर्कुलर स्केल है, देखिए एक्चुअली जब ये सर्कुलर नट जो है वो घूमता है तो ये समझ पा रहे किस टाइप का स्ट्रक्चर है, जैसे एक लंबा सा आप वो ले लीजिए नेल ले लीजिए तो उसमें इस तरीके से कटिंग्स होती है, आपको पता होगा जैसे ये नेल है और ये इस तरीके से है ना, तो इसपे जब अपन किसी बोल्ट को घुमाते हैं तो एक कंप्लीट रोटेशन करने पे वो कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चल जाता है, ठीक है, वो बोल्ट वाला जो अरेंजमेंट होता है अगर आप एक कंप्लीट रेवोल्यूशन उसे देंगे या एक कंप्लीट रोटेशन देंगे तो वो कुछ अमाउंट से आगे बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब कुछ इसमें आपको कुछ कुछ बातें ध्यान रखनी है, देखिए एक बार लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर, एक बार लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर पे आ जाइए, कुछ टर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए। द फर्स्ट वन इज पिच, पहली चीज जो होती है वो होती है पिच। अब ये पिच क्या होती है ध्यान से समझना, अगर हम एक बार अपने इस स्क्रू को घुमा लें, एक बार अगर आपने एक स्क्रू को कंप्लीट रेवोल्यूशन दे दिया तो जितना ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मूव करके बाहर निकल जाएगा उसे हम पिच कहते हैं। ये पिच आपने एक और जगह पे पढ़ाया, देखिए मैग्नेटिज्म में पिच ऑफ हेलिक्स, पिच ऑफ हेलिक्स में भी यही होता था कि चार्ज पार्टिकल गोल गोल घूम रहा था और आगे भी बढ़ रहा था, गोल भी घूमना है आगे भी बढ़ना है, तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में वो कितना हॉरिजॉन्टल दूरी आगे बढ़ जाता था उसे ही हम पिच ऑफ हेलिक्स कहते थे। यहां पर भी पिच का कॉन्सेप्ट वही है कि नट को आपने पूरा वन कंप्लीट रेवोल्यूशन दे दिया तो वो कितना आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में हम जितना आगे बढ़ गए वो तो हो जाएगी अपनी मेन स्केल का डिवीजन, एक मेन स्केल डिवीजन वही हो जाता है। जैसे यहां देखिएगा लिखा है पिच इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव थ्रेड्स, ये इसे थ्रेड्स कहते हैं, इन दो कंसेक्यूटिव थ्रेड्स के बीच में जो दूरी चल ली ना उसे क्या कहा जाएगा, पिच कहा जाएगा। पिच निकालने का एक और तरीका होता है, जैसे यहाँ पर देखिए और अच्छे से लिखा है लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल के बराबर होता है, तो एक्चुअली स्पीकिंग द लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल इज गिवन बाय इट्स पिच। और हम ये कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस कवर्ड इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन या वन कंप्लीट रोटेशन, एक कंप्लीट रोटेशन में जितना हम डिस्टेंस आगे बढ़ गए, दैट्स इट, इतना तो याद रह जाएगा। अब पिच निकालने का एक और तरीका है, कभी कभी क्या डायरेक्ट नहीं गिवन होता है क्वेश्चन में, वो कहता है कि हमने इतने रोटेशंस दिए तो जाके स्क्रू इतना दूरी आगे बढ़ा, इतने रोटेशंस देने पे स्क्रू इतना आगे बढ़ गया, तो हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस मूव डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, कितने रेवोल्यूशंस या कितने रोटेशंस आपने कंप्लीट किए, यहां से आपके पास पिच आ जाता है और पिच ही है इसका लीस्ट काउंट। कोई दिक्कत है मेन स्केल में निकालने की, कोई दिक्कत नहीं है।
अब यहाँ पर जैसे इसका मतलब यही है कि जैसे आप एक कंप्लीट रेवोल्यूशन देंगे तो आप कितना आगे बढ़ जाएंगे, 1 mm आगे बढ़ जाएंगे। तो इसका लीस्ट काउंट जो है वो कितना हो जाएगा, 1 mm, एक कंप्लीट रोटेशन देने पे 1 mm आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, फिर आ जाइए वर्नियर स्केल के ऊपर। अब वर्नियर स्केल के ऊपर देखिए, जब हम इसको एक कंप्लीट रेवोल्यूशन देते हैं ना बच्चों, तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन का मतलब है, देखिए यूजुअली जो आपके पास लैब्स में अवेलेबल होता है स्क्रू गेज, उसके 0 से 100 तक डिविजन्स होते हैं। देखिए आप, ये पूरा गोला है, 2D फिगर, 3D फिगर है ये, तो यहाँ 0 से स्टार्ट होगा, 10, 20, 30, 40 से लेके यहाँ तक 100 डिविजन्स होते हैं। तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन देने का मतलब है कि आप कितना चल गए, 100 डिविजन सर्कुलर स्केल पे चल गए। कौन सी स्केल पे, सर्कुलर स्केल पे। तो इसका मतलब यही है कि 100 सर्कुलर स्केल रीडिंग्स या 100 सर्कुलर स्केल डिविजन पे अगर आप मूव किए तो एक कंप्लीट चक्का आप आगे चल गए, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन आगे चल गए। और एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में आप कितना आगे बढ़ जाते हैं, पिच के बराबर। और लेट अस से पिच की वैल्यू अगर 1 mm के बराबर है तो आप 1 सर्कुलर स्केल डिविजन किसके बराबर कर देंगे, 1/100 mm। तो ये कितना हो जाएगा, 0.01 mm, जिसकी मैं बात कर रहा था स्टार्टिंग से। समझ गए क्या, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन चक्का चले तो मेन स्केल में वो नट कितना आगे बढ़ जाएगा, 1 mm, और उसी में सर्कुलर स्केल कितना गोल घूम जाएंगे, 100 डिविजन घूम जाएंगे। तो एक डिविजन उसके लिए कितना का हो गया, 0.01 mm का। यही तरीका है। अब कुछ लोग ऐसे रटवा देते हैं, ठीक है मैं भी लिख देता हूँ कि भाई इसका लीस्ट काउंट कैसे होगा, ये 1 mm क्या है बच्चों, ये पिच है ना भाई, पिच है ना, ये लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल कैसे निकालिएगा या सर्कुलर स्केल कैसे निकालिएगा, सर्कुलर स्केल का लीस्ट काउंट, सर्कुलर स्केल का आप लीस्ट काउंट निकाल लीजिएगा, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल पे कितने डिविजन थे उससे आप डिवाइड कर देंगे, 100 डिविजन आप क्रॉस करके चले गए, दैट्स इट। ये दो फॉर्मूले याद करने, एक तो पिच का, और पिच ही क्या है, लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल है। और लीस्ट काउंट ऑफ सर्कुलर स्केल निकालने का तरीका है पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन ऑन, इसे टोटल ही लिखिए, टोटल नंबर ऑफ डिविजन ऑन सर्कुलर स्केल। बाकी भी वही सारी बातें हैं कि अगर आपको टोटल रीडिंग निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग करना पड़ेगा, मेन स्केल प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, अगर कोई जीरो एरर नहीं है तो। और हो तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, माइनस जीरो एरर, जीरो एरर पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। यहाँ देखिए एक बात, 0 1, अब ये देखिए अगर मैं mm में स्केल इसको कन्वर्ट कर दूं तो ये 0 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा समथिंग, अगर mm में ऐसे कन्वर्ट करता हूं तो। अब देखिए मान लेता हूं कि रुक जाइए देखते हैं इसको कुछ अलग करता हूं, मान लीजिए कि ये वाला आपका 0 मार्क है, ठीक है ये हो गया 5th डिवीजन, और फिर ये जाके ये हो जाएगा 10th डिवीजन, फिर ये आगे जाके बनेगा 20 डिवीजंस एंड सो ऑन, यहां पर कहीं पर जाकर और 90 रहा होगा। ठीक है, मान लीजिए इस टाइप का आपने एक ऑब्जेक्ट इसके अंदर डाल दिया है और अब आपको इसकी रीडिंग बतानी है। रीडिंग बताने के लिए आप सबसे पहले देखेंगे 0, 10, ये कितना है 15, 16, 17, 18, 18 को तो हम क्रॉस कर गए, 18 विजिबल है, लेकिन 19 पे पहुंचे नहीं है, वो कवर्ड है। तो यहाँ पर जो मेन स्केल रीडिंग आएगी वो कितनी आ जाएगी, 18 डिविजन से करस्पॉन्डिंग, विच इज हाउ मच, 18 mm, ये समझ आया, ये 18 mm के बराबर हो गया, प्लस डायरेक्टली देख लेने वाली बात थी ना, 18वां डिवीजन, और ये कितने कौन सी स्केल है, mm वाली स्केल है, दैट्स इट। प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग कैसे देखेंगे, देखिए ये वाली जो लाइन होती है ना हॉरिजॉन्टल, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन, अब यहां पर ये तरीका होता है देखने का, जिस पे मेन स्केल है, मेन स्केल वाली हॉरिजॉन्टल लाइन सर्कुलर स्केल के कौन से डिवीजन को कोइंसाइड कर रही है वो गिनना है, दैट्स इट। जैसे ये वाली जो लाइन है ये किससे कोइंसाइड कर रही है, देखिए इस वाले से, अब ये क्या है 0 के ऊपर 1 2 3 4 5, फिफ्थ डिवीजन से कोइंसाइड कर रही है, तो आपका n जो है सर्कुलर स्केल डिवीजन भी वैसे लिखा जाएगा, n into least count, नंबर ऑफ डिवीजन किससे कोइंसाइड कर रहा है 5 से, व्हाट इज द लीस्ट काउंट,
0.01 mm. क्या सॉल्व करके इसकी भी टोटल रीडिंग आ जाएगी? ठीक है, अब इसमें भी पॉजिटिव एरर हो सकता है और नेगेटिव एरर हो सकता है। पॉजिटिव एरर कैसे आएगा देखिए, पॉजिटिव एरर में क्या होगा कि मान लीजिए ये आपकी जीरो वाली लाइन थी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी, ठीक है, और जब आपने अपने उसको क्लोज कर रखा है, मतलब यहां पर बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तब क्या होगा कि यहां पर ये कुछ इस तरीके का आपको दिख रहा है, ठीक है ना, जीरो विजिबल है। इस केस में क्या होगा कि जैसे ही आपने ये एक्चुअली क्या होना चाहिए, एक्चुअली स्पीकिंग ये वाली जो लाइन है ना, ये जीरो के साथ कोइंसाइड करनी चाहिए। अगर कोई एरर नहीं है दैट मींस ये वाली लाइन और जीरो वाली लाइन जो है वो कोइंसाइड करनी चाहिए अगर कोई एरर नहीं है तो। लेकिन अगर एरर है, पॉजिटिव एरर है, तो जीरो से थोड़ा सा आगे आपको ये सर्कुलर वाली स्केल दिखनी चाहिए और लेट अस से कुछ कोइंसाइड हो रहा है, मान लीजिए 0, 1, 2, 3 थर्ड डिवीजन सपोज कोइंसाइड हो गया, तो अब आप इसमें पॉजिटिव एरर कितने की लेंगे, n मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट व्हिच इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.01 mm, दिस विल बी योर पॉजिटिव एरर। अब नेगेटिव एरर में देखिए क्या होता है, आप देखिएगा जैसे ही आप नेगेटिव एरर में जाएंगे तो इसका मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में नहीं है तब क्या होगा कि ये वाली जो लाइन है ना, ये जीरो से पहले होगी, such that zero is hidden, ठीक है, मतलब ये वाली लाइन जो है वो जीरो पे कोइंसाइड नहीं कर रही होगी, जीरो से थोड़ी पहले हो जाएगी, तो जीरो भी छुप जाएगा। तो इस केस में जीरो एरर वाले नेगेटिव जीरो एरर हो तो क्या होगा, जीरो ऑफ मेन स्केल इज हिडन, वो दिखाई ही नहीं देगा, और ऐसे केस में आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, ये तो रही हॉरिजॉन्टल लाइन, जीरो यहां कहीं छुप गया आगे जाके, और मान लेता हूं कि चलो ऐसा कुछ है कि ये ले लीजिए जीरो है ना, और 1, 2, 3, 4, 5 और ये रहा 6th डिवीजन है, ये हो गया 5 और ये 6th डिवीजन, 7, 8, 9, 10 इस तरीके का कुछ है, ठीक है, नीचे कहीं पे 90 भी रहा होगा या कुछ भी रहा होगा। इसमें निकालने का तरीका क्या है, कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, वही वाला तरीका है। क्या करते हैं अपन नेगेटिव एरर निकालने के लिए, माइनस टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स माइनस कौन सा नंबर कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है, मान लीजिए कि ये जीरो आ गया, ये फाइव आ गया, 5, 6, 7, 8, 9 ये है 90, ठीक है, इससे आगे ऊपर वो मेन स्केल चल रहा है, आगे ऊपर है ना, यहाँ कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, 90, 91, 92, 93, 94 डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। अगर 94th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है तो आप जीरो एरर कैसे लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कितने होते हैं 100, उसमें से क्या माइनस कर देंगे 94 जो कोइंसाइड कर रहा है, बिल्कुल वर्नियर स्केल जैसा ही है, मल्टीप्लाइड बाय इसका लीस्ट काउंट 0.01 mm, व्हिच मींस द जीरो एरर इज -0.06 mm, ठीक है, इस तरीके से वही सारी चीजें हैं। और अगर आपको टोटल रीडिंग अब निकालनी है तो क्या करेंगे, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग माइनस का जीरो एरर, बिल्कुल वही सारी चीजें चलेंगी, नोट कर लीजिए इसे, नोट कर लो ये चीज। क्वेश्चन नंबर 18, पेज नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 18, द पिच ऑफ अ स्क्रू गेज इज 0.5 mm, पिच 0.5 mm है, इसका मतलब क्या है कि हाँ, एक तो लीस्ट काउंट है मेन स्केल का, मतलब मेन स्केल के दो डिवीजन के बीच में कितना गैप है 0.5 mm, इसका मतलब ये भी है कि जब आप एक पूरा चक्का चल जाते हैं, पूरा एक कंप्लीट रोटेशन कर देते हैं स्क्रू का, तब कितना मूवमेंट आगे हो जाता है 0.5 mm, है ना, ये बहुत सारी बातें पिच जो कन्वे करती है। तो एक बात तो पता चल गई कि इसका जो एमएसडी है, 1 MSD है, वो किसके बराबर है 0.5 mm, या इसे आप कह सकते हैं लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल भी है ना, एक ही बात है ना। और ऐसा कह रखा है देयर आर 50 डिविजंस ऑन द सर्कुलर स्केल, तो क्या लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल निकाल सकते हो,
व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल? आप एक मिनट स्केल में कितना चल गए? 0.5 चल गए, डिवाइडेड बाय कितने रोटेशन, मतलब एक रोटेशन में कितने डिविजन क्रॉस कर दिए आपने सर्कुलर के? 50, तो अपॉन 50 करना पड़ेगा, तो दिस बिकम्स व्हाट? 0.01 mm. ठीक है, दिस इज द लीस्ट काउंट. नाउ दे आर सेइंग इन मेजरिंग द थिकनेस ऑफ अ मेटल प्लेट देयर आर 5 डिविजन्स ऑन द पिच स्केल और मेन स्केल. मेन स्केल के कितने डिविजन है? 5. तो मेन स्केल रीडिंग कितनी हो गई? जल्दी बोलो, 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना हो गया? 2.5 mm तो मेन स्केल रीडिंग हो गई. और दूसरा क्या कह रहा है? एंड 34 डिवीजन कॉइंसाइड विद द रेफरेंस लाइन. रेफरेंस लाइन से कौन कॉइंसाइड करा है? 34वां डिवीजन. तो बताइए सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी हो जाएगी? 34 मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट इज 0.01, 0.34 mm. टोटल रीडिंग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों को ऐड कर देंगे. क्या आंसर आ जाएगा टोटल रीडिंग? ये मैंने गलत दिखाया क्या? 0.34 mm. तो ऐड करेंगे तो 2.84 mm इज द आंसर टू द क्वेश्चन. दैट्स इट. नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 भी करना है, 20 भी करना है. क्वेश्चन नंबर 19, the pitch of a screw gauge is 1 mm and there are 50 divisions on its cap. Circular scale में 50 division है और pitch कितना है? 1 mm का है. So that's it. What is the least count of vernier scale? 1 divided by 50 which is 0.02 mm. सही कर रहा हूँ ना? 0.02 ही है ना? गणित देखते जाना, गणित गड़बड़ नहीं हो. When nothing is put in between the studs, 44th division of the circular scale coincides with the reference line, the zero of the main scale is not visible. तो ये क्या है बच्चों? Zero error है. Positive वाला है, negative वाला? Negative वाला, क्योंकि zero तो visible है ही नहीं. तो इसका मतलब है इस case में जो zero error है वो negative वाला है. वो क्या लिखना चाहिए? Minus का total number of divisions on circular scale 50 minus division coinciding 44 multiplied by least count. ये आ जाएगा. अब आपसे पूछा गया है, व्हेन अ ग्लास प्लेट इज प्लेस्ड बिटवीन द स्टड्स द मेन स्केल रीड्स 3 डिविजंस एंड सर्कुलर स्केल रीड्स 26 डिविजंस. कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ द प्लेट. तो मेरे हिसाब से टोटल रीडिंग होनी चाहिए मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग माइनस का जीरो एरर. मेन स्केल रीडिंग कितनी? 3 डिविजंस रीड करता है. 3 मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए इसका मेन स्केल रीडिंग का? वो क्या है? लीस्ट काउंट 1 mm. अरे हाँ है ना, 3 into 1 प्लस सर्कुलर स्केल निकालने के लिए 26वां डिवीजन 26 into 0.02 माइनस ये जो भी आ रहा है, ये चीज माइनस में आ रही होगी, ये ऐड हो जाएगी, इससे जो भी आ रहा है वो आंसर है. ठीक है, आसान है ना, गलती तो नहीं होगी. अगला करो क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे. अभी गणित घर पे करते रहना, मैं उसके लिए बाध्य नहीं हूँ. क्वेश्चन नंबर 20, द पिच ऑफ अ स्क्रू गेज इज 1 mm and there are 100 divisions on the circular scale. Pitch 1 mm है और 100 divisions हैं. तो least count कितना हो गया of vernier scale या circular scale? कितना होगा? 1 by 100 is 0.01 mm. While measuring the diameter of a wire, the linear scale reads 1 mm and 40... अच्छा, linear scale 1 mm read कर रही है, मतलब main scale कितना हो गया? 1 mm. And 47th division on the circular scale coincides with the reference line. So what is the total reading? 1 mm plus 47 multiplied by 0.01. इससे हो जाएगा क्या? इससे क्या आ जाएगा? बच्चों ये क्या चीज आई है? डायमीटर. ये चीज जो आएगी वो डायमीटर के बराबर आ जाएगी. डायमीटर आ गया. लेंथ ऑफ द वायर दे दी है 5.6 सेंटीमीटर. फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द वायर. Curved surface area is pi r square h. अब h मतलब नहीं, हाँ curved surface area 2 pi r l. Okay, cylinder है 2 pi r l और r 2 r दे दिया diameter के बराबर. ठीक है, अब ये multiply वगैरह करना है, ये करते रहिएगा. चलिए इधर आइए अब next page पे. Page 15 question number 5. ये आप करिए अभी तुरंत, और मैं चाहता हूं सब लोग अपने अपने से करेंगे और आंसर लेकर आए इसका. क्वेश्चन नंबर 5,